हरियाणा की खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज अंबाला जिले में अनुबंधित बिजली कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी मांगों को लेकर डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, धरना प्रदर्शन संघ के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने कहा कि बिजली जैसी खतरनाक व्यवस्था को संभालने के लिए इन अनुबंधित कर्मचारियों की ना तो सैलरी बढ़ाई जा रही और ना ही किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा मिल रही। संगठन की मुख्य मांगे हैं कि सरकार ने जो कौशल रोजगार निगम बनाया है उसमें विद्युत विभाग के सभी पदों को जल्द से जल्द शामिल किया जाए। स्टेज के माध्यम से पहले सरकार का धन्यवाद करना चाहती है, हरियाणा सरकार का, जिन्होंने ठेकेदारी प्रथा खत्म करके कौशल निगम बनाया। और साथ ही साथ सरकार को ये भी हम जताना चाहते हैं कि इस निगम ने जो बनाया है उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं जो हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। सबसे पहले अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों को कौशल विभाग में जल्द से जल्द लिया जाए और जो उसमें त्रुटियाँ हैं, जैसे कि उनकी सैलरी जिसकी 21,000 से ऊपर है, एक तो उसको ESI का बेनिफिट नहीं मिल रहा।